बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का मेला वेस्ट इंडीज़ में जारी है, जहां सुपर एट मरहले के मैचेस खेले जा रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला अपने अख्तिताम को पहुंचा, जहां दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड की टीम को 7 रन से शिकस्त दी साउथ अफ्रीका की टीम ने। साउथ अफ्रीका की टीम अब तक इस टूर्नामेंट में नाकाबले शिकस्त है। लीग जो थे, लीग मरहले के 4 मैचेस जीती और 2 मैचेस ये अब जीत चुकी है, तो उसके सेमीफाइनल में खेलने के इम्कानात रोशन है। साउथ अफ्रीका ने इससे पहले अमरीका के ख़िलाफ़ मैच जीता था, और अब इंग्लैंड जो एक मैच जीत चुका है, अब उसके लिए मुश्किल होगा कि वो आखिरी मैच इंग्लैंड का, चूँकि अमेरिका से है तो इंग्लैंड उसमें बड़े मार्जिन से जीते, और फिर वेस्ट इंडीज़ भी इसी ग्रुप में है, तो अब देखते हैं कि कौन सी 2 टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपनी पोजीशन खासी मुस्तहकम कर ली। और इससे पहले आज जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का, ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ लुइस फार्मूले की बेसिस पर उस मैच में कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी फेवरेट करार दिया जा रहा है। भारत की टीम एक मैच जीत चुकी है, तो अब देखते हैं कि होता क्या है। बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि अगर पॉइंट्स बराबर हो गए टीमों के, तो फिर उस सूरत में नेट रन रेट पर फैसला होगा सेमीफाइनल की 2 टीमों का हर ग्रुप से। तो अब क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अभी तक बिल्कुल खामोशी है, और कहा यह गया था चेयरमैन साहब की जानिब से सर्जरी होगी, फिर कहा गया बड़ी सर्जरी होगी, फिर ये सुनने में आया कि ऑपरेशन होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो मरीज़ थे वो वहीं रह गए, वो अमेरिका में कप्तान बाबर आजम, कोच जो है गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीका चले गए, और उसके अलावा असिस्टेंट कोच अजहर महमूद जो है वो इंग्लैंड चले गए। तो अब ऑपरेशन किसका होगा, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आइंदा चंद दिनों में, जिसमें वो बताएंगे। जो इत्तलात आ रही है मुख्तलिफ ज़रियों से वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को कम किया जाएगा। पहले तो कहा किसने था कि ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाए, और वो सिलेक्शन कमेटी मुकम्मल तौर से नाकाम रही है, तो सिलेक्शन कमेटी को कम किया जाएगा। लेकिन यही कहा जा रहा है कि ब्लू वाइट बॉय वहाब रियाज जो है वो सिलेक्शन में उनको एक अहम अहदा दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनको अहम अहदा दिया जाएगा, तो क्या मोहम्मद यूसुफ़ को वापस भेज दिया जाएगा अंडर 19 की तरफ या बैटिंग कोच की तरफ, क्योंकि यूसुफ ने 90 टेस्ट मैचेस खेले, जबकि वहाब रियाज ने 27 टेस्ट मैच खेले। यूसुफ पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, और वहाब रियाज मुस्तकिल जगह बनाने में टीम में नाकाम रहे, और जो उनका फेलियर है वो खुलकर सामने आया एज अ सीनियर मैनेजर। टीम की जो कोच की खबरें लीक हो गई, फिर उसके अलावा जो सिलेक्शन हुआ वो भी प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ, और ये भी खबरें आई हैं आज के अखबार में एक छपा हुआ था कि जनाब अली सबकी फैमिलीज़ भी जो थी वो वहाँ मौजूद थी। चलें दूसरी टीमों की भी फैमिलीज़ मौजूद थी, लेकिन परफॉर्मेंस तो देते ना। इस पर बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, हर रोज़ की तरह इनसे आज भी हम बात करेंगे, और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं, तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580424 पर कॉल कीजिए, आपको ये नंबर स्क्रीन पर नज़र आता रहेगा। खुर्रम, सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो मैच हुआ दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का सेंट लूसिया में, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, और जो जिस तरह की फील्डिंग हमने देखी, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, जो कैचेस हुए, एक तो जॉस बटलर का कैच, फिर आखिर में जो हैरी ब्रुक का कैच लिया, कमाल का कैच एडन मार्करम ने, उसके अलावा दीगर कैचेस भी, सैम करन ने भी बड़ा आला कैच लिया, तो फील्डिंग बड़ी अच्छी रही। लेकिन इंग्लैंड बदकिस्मत रहा, क्या कहेंगे? ये कह लेंगे, पहले तो फील्डिंग पे अगर हम बात करें, पूरे टूर्नामेंट के जो बेस्ट फील्डिंग थी ना वो इस मैच में देखी। 5 ऐसे कैच थे जो आउटस्टैंडिंग कैच थे, फिर एक बटलर ने जो ब्लाइंड थ्रो करके रन आउट किया क्लासन को, अनबिलीवेबल। बिलीव सिस्टम उसका ऐसा था कि थ्रो का जो एम होगा वो हिट करेगा। अगर आप देखें क्विक रिएक्शन में उसको जितना टाइम मिला, उसने आइडिया से थ्रो फेंक किया और हिट किया, और वहां से क्लासन आउट हुआ, और उनका जो मोमेंटम था रन का वो टूटा। शुरू में 2-3 कैच थे ओवर में, हाँ, और जो बाउंड्री पे ब्रुक्स ने कैच पकड़ा है वो भी कमाल का था, अनबिलीवेबल। फिर रिजा हनरी ने शॉर्ट कवर पे कैच पकड़ा, सैम करन ने बैक रनिंग का जाके, जिस तरह मार्करम ने आखिर में जो ओवर में पकड़ा है वो वही कैच, मैच का फैसला, बिल्कुल उसी कैच की वजह से जो वो अगर 2 रन बदलते, क्या पता हो 2 हिट लगती है, मैच खत्म हो जाता। हैरी ब्रुक खेल रहा था, ब्रुक्स खेल रहा था तकरीबन 45 पे। तो ये वो चीजें होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग,
एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिटनेस की वजह से होती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे फील्डर भी तो कैच लेते हैं, उस्मान खान वापस पलट के भागते हुए, या हमारे दीगर फील्डर, ऐसा क्यों नहीं होता? हमारी टीम, प्रोफेशनल टीम, ऐसा क्यों नहीं कर पाती? देखें, मैंने एक आपको याद होगा, हमने इस चीज पे भी एक प्रोग्राम किया था, ये होती है जब आप लैक ऑफ कैच प्रैक्टिस होती है या प्रैक्टिस की कमी, उसकी वजह से ये चीज बढ़ जाती है। तो हमारे इनकी नहीं करते क्या? नहीं, देखें, एक होता है प्रैक्टिस सेशन वाइज, एक टीम का सेशन है, फिर एक होता है प्लेयर अपनी पर्सनल इंडिविजुअल करता है कि मेरे को कैच और करने हैं, डिफरेंट एंगल्स में करने हैं, लॉन्ग कैचेस, शॉर्ट कैचेस, तेज सर्किल में जो बॉल आती है उसके कैचेस, तो उससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट पैदा होती है। तो सेशन तो होते हैं भाई, टीम है, क्यों नहीं होते होंगे। इसके अलावा अगर आप बोले कि ये जो फील्डिंग है ना, ये टोटली पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है। तो इस वर्ल्ड कप की जो बेहतरीन अभी तक फील्डिंग दोनों की तरफ से देखी गई, सिवाय वो क्लासन का जो कैच ड्रॉप है, वो भी उन्होंने लाइट ले लिया था कि हो गया, वो ड्रॉप हो गया, वो इस लेवल के फील्डर है नहीं अमूमन। तो बाकी थ्रू आउट 40 ओवर में जो फील्डिंग हुई है ना, कमाल की फील्डिंग हुई है, और वो हर कैच, हर रन आउट पे मैच इधर इधर हुआ पलटता, और बड़ा अच्छा मैच हुआ। ठीक, अक्सरियत में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जीतेगी और लग भी रहा था, जब ब्रुक्स आउट हुआ, लिविंगस्टन आउट हुआ, उसके बाद उनकी तरफ पांसा पलटा है। तो ये क्रिकेट बड़ा फनी गेम है, इसलिए बोलते हैं कि जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते। आज सॉल्ट भी तो जल्दी आउट हो गया, जो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, यही है क्रिकेट, यही है। एक आपका इनफॉर्म प्लेयर अगर जल्दी आउट हो जाए तो नीचे वालों पर प्रेशर आता है, जिस तरह बटलर की ईटें लगती हैं, आज बटलर की भी कनेक्ट नहीं हुई। ब्रेस्टो वैसी फॉर्म में नहीं है जिस तरह की फॉर्म वो, मतलब जिनके लिए मशहूर है वो, के हिट मारते हैं, सामने हिटें बड़ी अच्छी मारते हैं, वैसे उनके बैट पे बॉल आ नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये कह लें कि सॉल्ट पे मैच था इंग्लैंड की बैटिंग में, वो क्लब हुए और उसकी वजह से सारा प्रेशर जो नीचे वालों पे आ गया। लेकिन अगर आप पॉइंट टेबल पे नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा साउथ अफ्रीका का जो 4 पॉइंट्स है और नेट रन रेट जो है 0.65 का है। फिर उसके बाद आ जाएं आप इंग्लैंड का, इंग्लैंड का भी प्लस में 0.412 का है, लेकिन यूएसए और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज का माइनस में, यूएसए का भी माइनस में। तो अब मुकाबला है कि आखिरी मैच इंग्लैंड को खेलना है यूएसए से, और साउथ अफ्रीका का मैच है आखिरी वेस्ट इंडीज से। अगर देखा जाए इंग्लैंड अपना नॉर्मल मैच खेलेगा और जीतेगा तो थ्रू कर जाएगा, है ना, क्योंकि उनका नेट रन रेट 1 समथिंग पे पहले था, 0.9 पे आ गया। अगर आप मैच जीतते हैं तो बेहतर ही होता होगा, और ये भी आखिरी बॉल तक मैच गया, इसलिए इनका नेट रन रेट ज्यादा खराब नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले इतना अच्छा किया हुआ था। अब मैच जो फंस रहा है ना, वो वेस्ट इंडीज का फंस रहा है, साउथ अफ्रीका से। वेस्ट इंडीज को बहुत अच्छे तरीके से मैच जीतना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? सर रफीक साहब, सर का बात से बात। जी क्या कहेंगे रफीक साहब? सर एक प्रणब भाई से सवाल है मेरा। जैसे इंडिया की टीम गई है वर्ल्ड कप खेलने, तो सर उन्होंने 2 माह पहले ही सारा जो है ना वो डेटा अपने पास दिया हुआ था कि अमेरिका में हमें किन बॉलर की जरूरत है और वेस्ट इंडीज में हमें किन बॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो सर वो स्पिनर और फास्ट बॉलिंग ऐसी लेके गए हैं कि कल उन्होंने कुलदीप यादव को खिला दिया उधर, तो वो आप सवाल क्या करना चाहते हैं? ये तो ऑब्जर्वेशन है ना आपकी, सवाल करें शाह साहब। ये तो हमें भी पता है कि वो 4 स्पिनर लेकर गए, 3 फास्ट बॉलर लेकर गए, सब पता है, आप कोई सवाल करें प्लीज। सवाल मेरा सर ये है कि हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं है, इनको पता ही नहीं होता है कि एक करंट मैच चल रहा है, तो इनको ये पता नहीं होता है कि हमने सुपर ओवर किससे करवाना है और बैटिंग किससे करवानी है। दूसरा सवाल ये है सर, सर्जरी की बातें हो रही थी तो ये सुनने में आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी तो खत्म हो रही है, तो अब ये वाबरियाज को सुनने में आ रहा है कि चीफ सिलेक्टर दोबारा बनाने जा रहे हैं। हमें भी सुनने में आ रहा है, देखिए ऐसा गलत फैसला होना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि दूसरी टीमें जो है वो प्लान करती हैं, उन्होंने 2 महीने पहले प्लान किया, हम लोग एन वक्त पे करते हैं, उन्होंने नहीं देखा। उनके सवाल में दम तो है, मगर इनके सवाल का जवाब ये बनता है कि हमारी 3 सीरीजों पहले से प्लानिंग थी, प्लानिंग न्यूजीलैंड की, आयरलैंड की और इंग्लैंड के लिए जब टीम अनाउंस की तो उनमें ये बोला गया था कि हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन यहीं से शुरू करेंगे, तो हम इसके वाला हम तो उनसे ज्यादा पहले से प्रिपरेशन करें, एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसलिए बुरा लग रहा है। तो वो चीज तो इस सवाल का तो जवाब ही हो गया। और जब तक बोर्ड की कोई चीज अनाउंस ना हो जाए,
चेयरमैन साहब की मीटिंग यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ना हो जाए तब तक हर चीज एक खबरें नष्ट कर रही ना, मुख्तलिफ सहाफी खबरें दे रहे हैं जो जिनको बाखबर कहा जाता है वो खबरें दे रहे हैं, तो इट मींस के कुछ ना कुछ तो होगा ना। नहीं होती है, और जिस तरह आप बता रहे हैं मतलब जिनका एक इमेज अच्छा है और उनकी खबर में जान भी होती है, अगर उनकी खबर आई है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वजूहत उसमें होगी खबर के अंदर। तो अभी मैं इसलिए मैं इस चीज को बोलने से थोड़ा सा गुरेज कर रहा हूँ कि देखें जब तक अभी तक अनाउंस क्या पता हो रहा और चेंज हो जाए फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए माजिद भट्टी ने खबर दी है, काफी तजुर्बाकार सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनके पास काफी इतलात होती है। अगर उन्होंने दी है तो शायद होगी और इसमें कोई वो नहीं है। अब उन्होंने ये खबर भी दी है कि खिलाड़ियों की फैमिलीज, उन्होंने ये खबर दी है कि मोहम्मद आमिर अपना ट्रेनर अपने खर्चे पर लेकर गए थे अमेरिका। आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रेनर फिर इस काबिल नहीं था कि उनको कुछ करा सके जिसको हम इतने हजारों डॉलर्स दे रहे हैं, किस बात की नहीं। अगर ये इस तरह है तो देखें लड़के ने ये समझा और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से इजाजत ली होगी। हाँ इजाजत तो ली होगी, और अगर वो अपने खर्चे पर ले जा रहा तो इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन फिर अब हमारा वाला क्या कर रहा था कि हमारा इतना कॉम्पिटेंट नहीं था कि वो ये चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए भाई अगर वो अपना पर्सनल ला रहा है इसका मतलब हमारा गाली है, इसका मतलब ये डाउट है। और ये चीज का क्लियर होना चाहिए कि भाई एक टीम का ऑफिशियल ट्रेनर था उसके बाद भी लड़के को पर्सनल अपने खर्चे पे लेके आया, जब इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये कि ये इतना अहलियत का हामिल इमाद वसीम या मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे आइंदा आने वाले। देखें इमाद ने जो मीडिया में भी आके बोला था कि हम बात करेंगे आखिरी मैच के बाद और उसके बाद फैसला लेंगे, तो मुझे भी कहीं ना कहीं डामाडोल थोड़े से लग रहे थे वो, कि मुझे लगता है कि वो शायद खुद ही दोनों क्योंकि लीग्स खेलना चाहते हैं दोनों, वो दोनों इंटरेस्टेड भी हैं लीग्स में और उनके उनको बेसिकली जो बुलाया गया था वो पर्पसली वर्ल्ड कप के लिए बुलाया गया था, जो बाकायदा ऑफिशियली बताया गया था कि हमने वर्ल्ड कप तक जीतने के लिए श्योरिटी दी थी कि आप लोग वर्ल्ड कप की टीम में होंगे। तो वो अब टीम नई अनाउंस होगी, नई सिलेक्शन कमेटी है, वो इनको कंसीडर करे ना करे, बोले डोमेस्टिक खेलो, तो अब इनकी पर्सनल राय क्या ये अपनी बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आया हम पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं या थैंक यू वेरी मच हम अब बस हम रिटायरमेंट। लेकिन हमारे प्लेयर जब अगर किसी ओहदे पर नहीं होते बाहर हो जाते हैं तो फिर वो इस तरह के क्यों बयान देते हैं, जैसे हफीज पॉडकास्ट में थे अभी अपनी बहुत सारी उन्होंने बातें की कि जी फिटनेस का प्रॉब्लम था, तो भाई जब आप थे उस वक्त आपने ऐसी चीज पहले क्यों नहीं कहा, जब वो सीट पे थे या उनके हाथ में पावर्स थी तब उन्होंने ये बातें जब ये अभी कर रहे हैं तो ये उस टाइम इन्होंने बोला क्यों नहीं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बोलना चाहिए। मिसाल है ना, आप चेयरमैन को बोले या बोर्ड को क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म करें भाई ये मसले थे, काशिफ ने होलसेल बना के भेजा था सारी चीजें, आपके हाथ में इतनी पावर दी गई और आपको ये चीजें पता भी थी और आप ही इसको हैंडल कर रहे थे, तो आपने उस टाइम क्यों ना इन्फॉर्म किया। और ऐसी थोड़ा सा खराब पोजीशन हुई, हम टीम वर्ल्ड कप से हार गई, घर आ गए, तो सडन आप एक एक करके चीज रोजाना कभी पॉडकास्ट में, कभी लाइव कॉल पे, कभी वीडियो कॉल में, कभी टीवी शो पे कुछ ना कुछ नई चीज हैंड रेस करके मैं ये बोल रहा हूँ मैंने यूं किया, फिर अगले दिन बोलते हैं नहीं मैं तो बोला कि पांच लड़के सो रहे ऐसा नहीं चलेगा। भाई आप सब कुछ करता धरता थे, आप थे, अगर आपने ये बोला तो भाई ऐसी सोने की नौबत क्यों आई, तो वापस देख देते ना अगर सो रहे थे तो। मैंने तो पूरे करियर में ऐसा कोई हादसा अपनी आंखों से नहीं देखा कि प्लेयर पाकिस्तान टीम में सो रहे, ऐसा नहीं, पांच तो छोड़े एक सो रहा हो। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ और मैं काफी अल्लाह का शुक्र है मैं काफी लंबा अरसा खेला हूँ टीम के लिए, मैंने अपनी लाइव मैच में नहीं देखा कि इस तरह कोई ड्रेसिंग रूम में सो रहा हो। और आप तो उस दिन भी कहा, मुझे भी तजुर्बा है कि नवीद अकरम चीमा मैनेजर थे, नवीद अकरम चीमा थे, सर रकीब थे, इंतखाब आलम थे, और बोलो यावर सईद थे। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ कि वहाँ नवीद अकरम चीमा मैनेजर थे, हैरत की बात है कि प्लेयर सो रहे हैं और हेड कोच जो डायरेक्टर क्रिकेट उसने उनको नहीं बताया, कोई सख्ती नहीं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता उनकी मौजूद। हाँ ये तो ये आप सोचिए बड़ा चला है, उस पे नवीद सर को वो थे मैनेजर, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो फिर उनके उनको तो जितना क्रेडिट दे ली जाए कम है। मैंने उनकी मैनेजरिंग में खेले और एक से दो टूर किए, बहुत डिसेंट, बड़ा जबरदस्त बंदे, टू द पॉइंट, तो हैरत है डिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बॉटम लाइन ये पांच सो रहे उनको पता ही चला। ये भी हैरत की बात है कि नहीं है, ये हफीज साहब नहीं लाए। बहरहाल एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
जी सर, तो मिर्जा साहब क्या हाल है आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, बात कर रहा हूँ दुबई। जी जी खुर्रम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप पूछना है कि आप तो जो हो गया पाकिस्तान का हो गया, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो लाइक शुड बी कम आउट विद न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स या कंटिन्यू विद द सेम ओल्ड वन? कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना टू मेक श्योर के वी मैच विद द स्किल सेट ऑफ द इंटरनेशनल टीम। अब आप देखो आज मैच जो जीता है साउथ अफ्रीका, क्या जबरदस्त, मेनली ऑन फील्डिंग। हाँ फील्डिंग पे सही कह रहे हैं, लेकिन अभी इधर खुर्रम अभी थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं जनाबे अली अब तो अक्टूबर में वाइड बॉल क्रिकेट होगी या 5-6 महीने हैं और अब हमारा टेस्ट मैचेस हैं अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ, तो अभी कप्तानी को भी ना छेड़ें, कुछ ना करें। बाज लोग तो ये कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी कम हो रही है, तो इससे तो ये कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे ना? आप नहीं समझते इससे कोई ऑपरेशन क्लीनअप हुआ या कोई ऐसी चेंजेस होंगे? कुछ करना ड्रास्टिक लेना पड़ेगा बिकॉज वी आर वेरी फार बिहाइंड from rest of the world. बिल्कुल, you know, like my daughter Rania, she used to love cricket, but now उसको कहते हैं बाबा there's no point in following, Pakistan doesn't win anymore. आप सही कह रहे हैं, लोग बड़े दिल बर्दाश्त हैं, बहुत दिल बर्दाश्त हैं। She is just 17-18 years old and imagine हमारे बच्चे भी अब शौक से नहीं देखें तो आगे who will follow them, you know? बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है खुर्रम साहब, दुआ करें इस टीम के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने दुबई से कॉल किया। और आपको बताऊं कि मैं जहां भी जाता हूं हर आदमी, उस दिन बाइकिया वाला आया, उसका नाम था अब्दुल रहमान, वो मुझे देखते ही बोल रहा है, कह रहा है क्या हो गया टीम को। मतलब लोग अपना काम छोड़कर वो टीम की बात करते हैं। आप फल लेने जाए फल वाला कहेगा क्या हुआ, क्या हो रहा है टीम में। मतलब हर आदमी जो क्रिकेट से अटैच है पाकिस्तान में, और वो इस तरह की बातें कर रहा है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद बात करेंगे और भी कई पॉइंट्स रेस करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुपर 8 मरहले का आगाज हो चुका है और दिलचस्प सूरत हाल है इस ग्रुप में कि जहां पर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और अमरीका की टीमें शामिल हैं। काश इस ग्रुप में पाकिस्तानी टीम भी होती, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था कि चाहे नंबर 1 या नंबर 2 हो, जो चार ग्रुप्स बनाए थे 20 टीमों के, उसमें पहले से डिसाइडेड था रैंकिंग की बेसिस पर कि जो भी टीमें जाएंगी, पाकिस्तान जिस तरफ जाएगा, अगर पाकिस्तान वो ग्रुप से क्वालिफाई कर जाता तो वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को होना ही होना था उस ग्रुप में, क्योंकि वो लोग जीत कर आ रहे थे। परम लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है, आप समझते हैं कि अब इसमें भी नेट रन रेट पे जाने के चांसेस ज्यादा हैं सेमीफाइनल में टीमों के, या आउटराइटली चली जाएंगी? नहीं है, अब आप क्रिकेट तो अपसेट के लिए मशहूर है। हाँ। और अभी तक तो साउथ अफ्रीका ने सबको गलत साबित कर दिया है, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं खुद बोलता हूँ कि प्रेशर के, और मैंने कल आपको बोला था कि कल का मैच जो है इनके लिए, ये अगर इस प्रेशर से निकले तो इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर गया है। और वाकई आज जिस तरह उन्होंने इस प्रेशर में जो फील्डिंग की है, फील्डिंग के व्याप पे जिस तरह वो आगे निकले हैं, इंग्लैंड को आज उन्होंने टोटल फील्डिंग पे बीट किया। वो जो खुर्रम कह रहे थे दुबई से, उन्होंने फील्डिंग में 3-4 ऐसे कैच पकड़े, बॉल्स रोकी है, खासतौर जो पॉइंट पे खड़ा हुआ था उसने कमाल फील्डिंग की। उसने पक्के चौके रोके हैं बटलर के, ब्रेस्टो के, जो लेट कट मारते हैं उसके लिए अंदर वाइड पॉइंट खड़ा किया हुआ था, और उसने बहुत क्लोज था वो, वहां से आपको मूव करने के लिए बहुत टाइम कम मिलता है। इवन वहां से उसने कम अज कम 3-4 चौके रोके, ये 16 रन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इस तरह के मैचों में। तो फिर कैचेस, फिर नॉर्मल 2 रन को सिंगल रन में कन्वर्ट करवाना, तो ये चीजें जो डिफरेंस डालती हैं फील्डिंग के थ्रू। 7 रन से जीता है साउथ अफ्रीका, यही ना, अब देखे ना 16 रन वो डाल दें तो वैसे ही निकल गया, खत्म हो गया। तो ये तो क्रेडिट सॉल्ट आज जल्दी आउट हो गए, रबादा ने उन्हें आउट किया। आप समझते हैं पिछले मैच में क्या उसने इनिंग्स खेली थी, बहुत कुछ रिलाय कर रहा था इंग्लैंड फील्ड। अच्छा मेन चीज ये है कि जिस टून में वो आया था वो उसका वही था, स्टाइल वही है, मैं डैमेज करने आया हूँ, और वो शॉट कनेक्ट वैसी नहीं हुई जैसी होती थी। उसने फील्डर ने कैच भी बड़ा अच्छा, रीजा हेंड्रिक ने कैच भी, कैच ड्रॉप भी हो सकता था, शार्प कैच था। और ये कह लें कि वही एंड पे आ जाती है फील्डिंग, इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग की है, शायद इसी वजह से उन्होंने कम रन किए, वरना अगर वो कैचेस नहीं होते तो ये 200 से ऊपर जा रहे थे। भाई आप देखे पावर प्ले में 6 ओवर में 63 रन थे साउथ अफ्रीका के, ऐसा लग रहा था 200 कर देंगे। 11 ओवर में भी कोई 93 और एक आउट था, 92 या 93, वो तो डिकॉक आउट होने के बाद उनकी डिकॉक जैसी आउट हुआ और वहां से गेम शिफ्ट, और फिर वो जो एक रन आउट हुआ अनबिलीवेबल का क्लासन का रन, वो जबरदस्त, जितनी तारीफ बहुत कम देखने को मिलता है। उसने पलटा है गेंद को, पलट के एक ही स्टंप थी सामने उसको निशाना, ये वही वाली बात है प्रैक्टिस
प्रैक्टिस जब आप की भी होती है, अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस की भी होती है, तो ये चीजें नॉर्मल आप हो जाती है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हाजी मोहम्मद इलियास कोट लखपत लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं समझा कोट लखपत जेल से बात कर रहे हैं। कोट लखपत लाहौर से। अच्छा, कैसे? अच्छा, वो तो मजाकन कह रहा था। कैसे हैं हाजी साहब? ये आपकी मोहब्बत है। वो ना मैंने सवाल ये करना था कि ये जो तीन चार हमारे पास ये मंसूर अफसर इकट्ठे हुए हुए हैं, इनमें आजम खान है, ये आपका शादाब खान है, आपका वो क्या नाम है, इफ्तिखार अहमद है, इफ्तिखार अहमद, ये इनको कब जान छूटेगी, क्या करेंगे ये, कौन सी सर्जियां करते हैं ये? और दूसरा एक मेरा मशवरा ये है कि ये बाबरानों से गए अपनी क्रिकेट बचाए और कप्तानी छोड़ दे। ये आपने देखा है एजाज साहब के केन विलियमसन की टीम नहीं पहुंच सकी सुपर एट में, उसने कप्तानी भी छोड़ दी और कह रहा है मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ना दो, तो अखलाकियात भी तो कोई चीज होते हैं कि नहीं होते? जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। इनको भी समझाए ना। कौन समझाएगा, अभी अभी तक तो हम इंतजार कर रहे थे कि कब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन थिएटर तैयार हो चुका था, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बाबर नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट, उसने अगर अपनी क्रिकेट बचानी है तो कप्तानी छोड़नी पड़ेगी उसको, वो प्रेशर में कप्तानी के प्रेशर में बैटिंग उसकी खत्म हो रही है। आप देखें ना, लारा, कोहली, तेंदुलकर, इन सब की मिसालें हमारे सामने, उन्होंने छोड़ी है ना और रिकॉर्ड कायम किए हैं। सही क्या रिकॉर्ड कायम किए। चले, आपकी तजवीज़ बाबर तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी एजाज साहब, आपने हमें कोट लखपत लाहौर से कॉल किया। खुर्रम, वैसे आप इस मरहले पर, आप एज अ क्रिकेटर, अगर मैं आपकी ओपिनियन पूछूं, और आप कल भी बता चुके हैं कि पांच टूर्नामेंट हम नहीं जीत सके बाबर आजम की कप्तानी में, एशिया कप, तीन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप, एक 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त वो, ही इज वन ऑफ, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो उस वक्त आप नहीं समझते कि प्रेशर रिलीज करने के लिए उसको खुद चाहिए कि आगे आए? लेकिन जिस तरह की वो जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही, जो उसका रवैया तब्दील हो गया था जिस तरीके से कि मैं सब कुछ करूंगा, जब इंसान में मैं आ जाती है तो फिर मुश्किल नहीं हो जाती? देखिए बाल भाई, अब ऑनेस्टली बात की जाए, वो जितना जबरदस्त बैट्समैन अब वो हो गया है ना, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा प्रेशर खुद डाला हुआ है उसने कप्तानी का। आप कप्तानी छोड़ दो, विद रिस्पेक्ट, आपकी बैटिंग पे अब छींटे आ रही है। देखें अब लोग ना बोल रहे हैं कप्तानी, अब कप्तान कौन है? बाबर है। आप हार गए, आप बोलो भाई हो गया खत्म, थैंक यू वेरी मच, अब मैं क्रिकेट खेलूंगा। और आप बहुत अच्छे प्लेयर हो भाई, वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में अगर आप नंबर वन आ रहे हो तो कोई फारिक प्लेयर तो होगा नहीं। तो अब आप कप्तानी खुद छोड़ दो, पांच इवेंट हो गए, तीन चार साल हो गए, आप खुद बोल रहे हो कि मेरे 8-9 लड़के थे, ये काफी अरसे से खेल रहे थे, इनका रिजल्ट ऐसा नहीं आना चाहिए था, अब नहीं आया। आप खुद एक स्टेप आगे आए और बोल दें कि भाई मेरी तरफ से इजाजत है, आप जिसको बनाना बनाए, मैं अब एज ए प्लेयर खेलूं, और ये इसमें इनका ग्रेटनेस शो होगी। क्योंकि देखें इन पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है ना, उसकी वजह से इनकी बैटिंग भी खराब हो रही है। सही कह रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये देखें मैं खुद बैट्समैन हूँ, अब मैं अगर फॉर्म में अगर जूझ रहा हूँ और एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा कि नहीं भाई मेरे पर कप्तानी भी है, फिर वो अल्लाह ना करे अगर कोई मैच हार जाते हैं और इस तरह का जिस तरह अमेरिका से हार गए, देखें हार जीत होती है, दो टीमें खेलती हैं, एक हारती है, आप सुपर ओवर में नौ अमेज टीम से हार गए। ये मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेशर आ रहा है और खुद के ऊपर आ रहा है बाबर की, वन डाउन पे शादाब को भेज रहे हैं, अब देखें अब आप फेस उससे नहीं करा रहे फखर जमान से, ये सुपर ओवर, यही तो बोल रहा हूँ ना, आपने आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, तो इसको चाहिए आप कप्तानी को छोड़े, अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, और जिस तरह का प्लेयर है इसकी क्रिकेट में बैटिंग में और निखार आएगा। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, कहां से? भाई कैसे? मैं ठीक हूँ। अरे कौन सा, अब आपकी आवाज से मैं पहचान गया, मीर दाऊद साहब बोल रहे हैं गालिबन। मैं बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? सियालकोट की सियासत बताएं पहले, क्रिकेट की सियासत कहाँ गई? मलिक साहब सुने छुप गए, कहाँ गए? अभी कुछ हो रही है सियासत के, नहीं हो रही क्रिकेट? नहीं, मलिक साहब ने अपना गुमाश्ता जो दिया हुआ है, अब जब ऐसे लोग बिठाएंगे आप क्रिकेट पे, तो रिजल्ट तो यही आएगा। तो फैसल मलिक काम नहीं कर रहा उनका गुमाश्ता जो है, क्या कर रहा है? जिसकी क्रिकेट जो है जी, अपने भाई के गिर्द घूम रही है, और उसके भाई के बारे में कहा यह जाता है कि बस छोड़े, यही अलमिया है। अच्छा, आप पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मीर साहब आप क्या कहेंगे? आप तो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं सियालकोट के। हाँ। देखिए, आप ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं, जब आपके ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेटर निकला ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं उनको, तो आप मतलब कहां से हैं?
सही भाई छोड़ दीजिए, अब ये घोड़े जो है ना थक चुके हैं, इनको वापस भेजिए। इफ्तिखार अब मुझे शर्म आती है बात कहते हुए, क्योंकि अगर तो आजम खान खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूँ। मेरा ख्याल है मेरा वजूद उससे थोड़ा सा कम है। तो ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं प्लेयर्स को बाहर होना चाहिए, काफी प्लेयर्स को बाहर होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। T20 में लेके गए हैं, इस प्लेयर से दूसरा रन नहीं हो सकता। सही सही ठीक है। आजम खान दूसरा, अब इसका हल क्या है मीर साहब, एक जुमले में बताइए इसका हल क्या है। इसका हल सिर्फ यही है कि इस सारे को लॉन्ड्री में डाल के ड्राई क्लीन किया जाए और गंद को बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है ठीक है। एक बात जी, बाबर आजम दोस्ती है मतनी भाई, बाबर आजम अपनी क्रिकेट खेले जी जी ठीक। और मेरा मेरा ख्याल है कि वो कप्तानी का स्टफ नहीं है। सही, ये तो सब कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं। और ये खुर्रम मंजूर भी टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ बैठे हैं, ये सब बता रहे हैं कि इतने रिकॉर्ड, इतने 5 टूर्नामेंट्स कोई नहीं जीत सके। ठीक है मीर साहब, वक्त कम था, आपसे मजीद बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर दाऊद थे सियालकोट से, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से दोबारा बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे पास कॉल आई सियालकोट से मीर दाऊद साहब की, और वो कह रहे थे कि बहुत सारी तब्दीलियों की भी ज़रूरत है और कप्तान की भी ज़रूरत है, जिस पर कि हम पहले से बात कर चुके हैं। लेकिन खुर्रम, अब जो एक शोर मच रहा था जब पाकिस्तान हारा इंडिया के अगेंस्ट 9 जून को, अब आज तो 21 जून हो गई, 12 दिन हो गए, आहिस्ता आहिस्ता आप नहीं समझ रहे कि वो शोर कम होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो है वो नॉर्मल होते जा रहे हैं? नहीं, अब ऐसा ही है, पाकिस्तान का दस्तूर यही रहा है। और मैं अभी भी इस बात पे, अब मेरा यही है कि मेजर तो नहीं होनी, मगर वो जो आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक, वो होगी और वो ही होती आई है। और चले आप किसी के कोई खिलाफ नहीं है, मगर जो चीज दिख रही है उस पैटर्न को सही करें, इंडियन टीम जीते, मुल्क जीते, लेकिन और जो चीजें क्लियर दिख रही हैं उनके ऊपर तो स्टेप लेना। लेकिन वो कौन लेगा? मोहसिन नकवी साहब लेंगे, चेयरमैन साहब लेंगे ना? नहीं, वो तो लेंगे, मगर वही वाली बात है ना, अब उनके साथ जो बैठ के देखें मशवरे देते हैं, नहीं देखें डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आया बात शुरू कर दी, पहले इनकी मीटिंग होगी, जो भी पूछगछ होगी होती है, रियाज साहब बताएंगे ना, उसके बाद जो भी वो अनाउंस करेंगे उस चीज के अंदर ये क्लियर दिखना चाहिए कि भाई एक तो कप्तानी को लेके आप जो दिख रहा था इतने सारे 5 इवेंट 4 साल एक अरसा आप ही ने उनको लेकर आए ना ये वापस, यही ना। और उससे उसके बाद जिस तरह की मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर को लेके जो एक चली हुई बात, वो भाई नहीं क्यों नहीं गया, सही है, क्यों नहीं हुआ, फिर अबरार क्यों नहीं खेले, इसके वजह और कितने लड़के डोमेस्टिक के अपनी बारी के इंतजार में रहे, वही तो बोल रहा ना, एक लंबी लाइन है। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है भाई, एशिया की नर्सरी बोलते हैं, तो कुछ तो होगा ना, इसलिए बोलते हैं, ऐसी थोड़ी बोलते हैं। और टैलेंट नहीं है, आप डोमेस्टिक खोल के देखे एक से एक प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है, सही, ऐसा नहीं है कि जी बिल्कुल ही नहीं है। और फिर डोमेस्टिक को आप ग्रास रूट लेवल के जो नारे लगाते हैं खत्म करें, फिर डोमेस्टिक ये करना पड़ेगा। अगर आपको पाकिस्तान टीम के रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो आपको डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसके प्लेयर्स को होम सीरीज में खुला चांस देना पड़ेगा। सही है, वो भले फ्लॉप हो रहे, जो परफॉर्मर है ना उसको 2-3 सीरीजें हैं, अगर वो परफॉर्म करे, देखें अगर परफॉर्मर होगा और उसको चांस मिलेगा, वो एक सीरीज तो शायद फ्लॉप हो जाए लेकिन अगली सीरीज में वो क्लिक करेगा। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए, एकदम से पूरा सब बाहर नहीं होता कि 15 के 15 चेंज होगा। लेकिन लोग तनकीद इसलिए कर रहे हैं चेयरमैन साहब पर कि सारे शॉट्स उन्होंने खेले, वहाब रियाज का तकरर उन्होंने किया, फिर गैरी कर्स्टन उनकी अप्रूवल के बगैर नहीं हेड कोच बन सकता था, अजहर महमूद को असिस्टेंट कोच उन्होंने बनाया, बाबर आजम को कप्तान उन्होंने बनाया, टीम की सिलेक्शन के ऊपर आखिरी घंटा एक घंटा पहले जब ऐलान हुआ चेयरमैन साहब ने इतराज किया कि नहीं पहले सब सिलेक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, तब कहीं जाके ऐलान हुआ टीम का। तो बहुत सारी चीजें सब उन्हीं की छतरी के नीचे हो रही ना, उनको भी तो देखना चाहिए, उनको भी स्टेप लेना चाहिए ना इस हवाले से। मुझे तो लगता है लेंगे, जाहिर सी बात है जब हर चीज इन दी एंड उन्हीं के साइन से हो रही है, और स्पेशली जो वर्ल्ड कप की टीम जो आखिरी आधे घंटे में अनाउंस हुई उनकी अप्रूवल से हुई, तो कहीं ना कहीं अब इनको ये चीज ध्यान में तो होगी, तो अब उस चीज को शायद वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि एक तनकीद हो रही है ना खुर्रम, बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं, नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, तो हो रही हैं, तो इसको बेहतर करने की जरूरत नहीं है, बेहतर करने की जरूरत है, मगर
एकदम से सारा गायब हो जाए ये आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नामुमकिन होना मैंने भी आपको 2003 के वर्ल्ड कप की एग्जांपल दी थी ना गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में कि जब वर्ल्ड कप डिबैकल हुआ 2003 का तो नसिर वकार यूनुस कप्तानी से गए, वसीम अकरम बाहर हुए, शोएब अख्तर बाहर हुए, इंजमामुल हक बाहर हुए, एक नई टीम खड़ी हुई जिसमें राशिद लतीफ कप्तान, मोहम्मद हफीज, उमर गुल, शब्बीर अहमद, यासिर हमीद, बेशुमार क्रिकेटर्स आ गए वो खेले, तो अब तब्दीली नहीं हो सकती क्या? एक एक चीज चले इस चीज को हम यू सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि जो लग रहा है वो एक बंदा हो गलत, दो तीन चार, अगर 20 बंदे एक चीज बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। अब हाँ। उसमें आपका वर्ल्ड चैंपियन यूनुस खान भी शामिल हाँ। है, हफीज भाई भी शामिल है, शोएब अख्तर भी शामिल है, वसीम भाई भी शामिल है, राशिद भाई भी शामिल है, बासित भाई भी शामिल है, वकार यूनुस भी शामिल है, रमीद, मतलब एक ये वो है जो क्रिकेट के हलके में इनके की इमेज है, इनके रिकॉर्ड है, और वो एक चीज मुस्तकिल मेंशन हो रही है तो कुछ ना कुछ तो खराबी हो रही है ना। वहाब रियाज से ज्यादा, वहाब रियाज के इनसे ज्यादा अच्छे रिकॉर्ड हैं जिनके नाम लिया आपने। अब ये है? तो जो ये बताएं मुझे वो बेहतर समझ सकते हैं जो लाए जो है ना डक कर जाते हैं बाउंसर पे। एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कमर इकबाल जदून एबटाबाद से। जी जदून साहब, एबटाबाद में जदून बहुत होते हैं ना हमारे दोस्त भी, वो भी जी क्या कहेंगे जदून साहब? इकबाल भाई बात जो है ये अभी थोड़ी सी देर पहले भी बात कर रहे थे कि इन्हें ड्राई क्लीन के लिए ले जाना है, तो हमारे पास एबटाबाद में आई भी है, हमें नहीं पता था नौ इधर हमारे पास बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर इनकी ड्राई क्लीन कराते। एबटाबाद में वो जो झील है उधर की बात कर रहे हैं आप? वो जी है जी 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 वहाँ तो लोग तफरी के लिए आते हैं, ये ड्राई क्लीन के लिए इनको वहाँ ले गए तो इनके मद्दा जमा हो जाएंगे, ऑटोग्राफ लेने लग जाएंगे तो ड्राई क्लीन तो रह जाएगी। पर्दे में पर्दा बनाएंगे इनके लिए। अच्छा पर्दा बनाएंगे। दूसरी बात ये है तो ये कहते हैं हर मैच के बाद हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, यार 20 साल से यही बातें हम सुन रहे हैं, ये कब सीखेंगे? सही सही बिल्कुल आपने सही पॉइंट देखे ना। हमें अब अफसोस होता है जब हमारी टीम नहीं खेल रही। बिल्कुल सबको अफसोस होता है क्योंकि खुदा जानता है हमें ये भी नहीं पता अगला मैच किसका होगा। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। नहीं नहीं आपके जज्बात का मैं बिल्कुल एहसास है, एहतराम है, और हर कोई ये जदून साहब कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने एबटाबाद से हमें कॉल किया कमर जदून साहब से। खुर्रम हर आदमी आप कॉलर को देखें। नहीं देखे मैंने बोला ना, एक तो सबसे पहले हमारा चैनल प्लेटफॉर्म दे रहा है लोगों को दिल की राय का इजहार करें, दिल की बात तहजीब के दायरे में करें। हाँ और लोग दुखे में इन दी एंड ये होता है यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सुपर एट में नहीं आया, अगर आता हम और मैच देखते। हाँ, कोई भी ये नहीं बोल रहा कि वर्ल्ड कप जीत जाता, वही बोलता हमें और मैच देखने को। अब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी डाउन हो गई, जिन चैनल्स ने राइट्स लिए हुए हाँ। थे, इश्तिहार कम हो गए, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के ऊपर से ऊपर से वर्ल्ड कप का वो मजा खत्म हो गया ना, खराब हो गया, हमारा मुल्क बाहर हो गया, इसमें जान नहीं है। सही है हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हमारा चैनल है, लोग देख रहे हैं मैच, लोग देख रहे हैं, मगर वो चाम खत्म हो गया यार। पाकिस्तान टीम खेल ली होती उसका मैच, और सुहागा दुख ये होता है कि अमरीका पहुंच गया हम नहीं पहुंचे तो और चाम फिर और दिल टूटता है। ऑनेस्टली बीइंग अ प्रोफेशनल बात करूं अगर मैं ना तो दुख नहीं है, उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है और वो डिजर्व करते थे, ये चीज माने दिख भी रही। आज मैं उनके फास्ट बॉलर उन्होंने जो अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेला है अभी कमाल का अनबिलीवेबल, मैं उनके फास्ट बॉलर का देख रहा हूं नेत्रा वालकर जो कि इंडिया से अंडर 19 खेला और फिर यहां आया, तो वो जिस तरह की उसने शुरू में टॉप के बैट्समैनों को आउट किया है आप अंदाजा लगाएं। अब देखें ना प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, हमारे क्रिकेटर्स तो पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं, वो तो जॉब करता है वहां आईटी का बहुत सारे। मैंने आपको बताया ना वहां पे जितने भी प्लेयर्स गए जो प्लेयर सिलेक्ट नहीं भी हुए इनमें भी बहुत सारों के ऊपर वो था कि यार ये प्लेयर नहीं हुआ सिलेक्ट बहुत सारे। अच्छा। हम अपने पाकिस्तानियों की बात कर ले, एहसान आदिल, जियाउल हक फास्ट बॉलर क्वालिफाई कर गए, हमाद आजम क्वालिफाई नहीं कर गए, सिलेक्ट नहीं हुए, ट्रायल पे गए थे। अच्छा भाई मतलब वहाँ पे एहसान आदिल तो टेस्ट मैच खेला है, टेस्ट मैच खेला है, वो हमाद आजम भी T20 वर्ल्ड कप में था 2010 के जिसमें शायद वो कप्तान थे, और उसके अलावा समी असलम है, हमाद आजम है, साद अली है, रमीज राजा जूनियर है, बड़ी क्रीम गई हुई है, साद अली वनडे खेला है पाकिस्तान से, रमीज राजा T20 खेला है, बड़ी क्रीम गई हुई है। आप मुझसे पूछे नाम ले बताऊंगा, इससे अंदाजा लगाएं आप वहाँ पे कितना टफ कॉम्पिटिशन है। वे ये नहीं बोला उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेल के जितने भी मैच खेले ना वो हारे भी है ना तो उनके क्रिकेट पे किसी ने उंगली नहीं उठाई, और हम लोग जो हारे हैं जैसे 6 रन से इंडिया से तो लोग सवालात कर रहे हैं। क्रिकेट पे बात हुई है, क्रिकेट पे सवाल उठा है, हार जीत पे नहीं उठा है, क्या आपने क्रिकेट सही नहीं खेली, आपने प्लेइंग 11 सही सिलेक्ट नहीं की इसलिए आप नतीजा भुगतना पड़ा। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे और ब्रेक के बाद दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जो आज बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, जो बड़ा कांटे का मुकाबला था, जिसमें कि 7 रन से जीती आज साउथ अफ्रीका की टीम दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ। और फिर उसके अलावा जो मैच हुआ जिसमें बारिश असरअंदाज हुई, खुर्रम ऑस्ट्रेलिया के तो चांसेस बड़े ब्राइट नजर आ रहे हैं सेमीफाइनल में, वहां से तो कोई डाउट ही नहीं आ रहा ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लियर है, वो तो बिल्कुल। बांग्लादेश और चौथी टीम कौन सी है वहाँ? वहाँ अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान तो आप समझ रहे, अफगानिस्तान मुश्किल टाइम देगा। नहीं नहीं सर, देखें हर जगह ना बैलेंस चाहिए। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है ना तो एटलीस्ट दो तो बैट्समैन हो ना। वो तो सारा रहमानुल्लाह गुरबाज पे खेल ही एक पे रहे, वही गेम चेंजर है, वही बैट्समैन है। और वो जब खड़ा होता है वो खिला, उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया अपने उस टीम में खेल खेल के, वो खिलाता है बकायदा लड़कों को, पार्टनरशिप लगाता है, उसके बाद वो एक अच्छा टोटल। अगर आप इनका विनिंग रेशियो देखें ना बैटिंग में, जो ये मैच जीते उसके रन निकालने, आप बोल देंगे अकेला सिंगल एंड ये जिता रहा है, एक अरसे से जिता रहा है, अभी से नहीं कर रहा, वो जब से टीम में इंडक्ट हुआ है थोड़े से में ये मैच्योर हुआ, उसके बाद से कंसिस्टेंट परफॉर्मर यही है। और जिस तरह का उसका गेम है, वे ऑफ प्ले, वो ज्यादा डेंजरस इसलिए हुआ। सही है, सही। अब वो जिस मैच में आउट हो जाता है ये 100-150 पे फारिक हो जाते हैं। तो उधर से तो चले ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो गई जी, इधर से आप क्या देखते हैं? मैं अभी भी कायम था, मगर वो बस थोड़ा सा वो जो वेस्ट इंडीज का खट्टा हुआ है ना एक मैच, वहां से बस मेरे को डाउट हो गया कि अब वेस्ट इंडीज शायद बाहर हो जाए। तो आप समझ रहे, देखें आखिरी मैच साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, मैंने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज बोली थी, अब यहाँ से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड लग रही है, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड लग रही है। यूएसए से मैच है ना उनका, अच्छा ठीक, और नेट रन रेट सबसे अच्छा है तो, और उनका मैच अफ्रीका से, अफ्रीका को जीतना लाजमी है, ये मैं आपको क्लियर बात बता दूं। अगर हारेगी नेट रन रेट 19-20 होगा तो वेस्ट इंडीज जा सकती है फिर। वेस्ट इंडीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेट रन रेट से जीते तो थ्रू हो जाएगी, आप देख लें। वेस्ट इंडीज का एक अमेरिका से भी तो हुआ ना मैच, अमेरिका से हुआ ना, एक ही जीते हुए ना, तो दूसरा मैच आओ, तीसरा मैच इनका इससे साउथ अफ्रीका से। हाँ, इंग्लैंड को एडवांटेज ये मिल गया आखिरी मैच उनका अमेरिका से, उसमें वो कुछ कर सके। देखें क्रिकेट वो भी अच्छी खेल रहे, मगर हरीफ आसान है। हाँ, आसान है, और जिस तरह की इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है आज भी जीतते जीतते हाँ, रह गया तो वो इसलिए बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। हाँ, तो क्रिकेट है कुछ भाई नहीं, अमेरिका उनको हरा दे। हाँ, कुछ पता थोड़ी है। तो फाइनल में आप किसको देखते हैं? मेरा तो मुझे तो कल तक यही था कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज फाइनल, और वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट जीते। तो आप इंडिया को रूल आउट कर रहे हैं? देखिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा, वहां की कंडीशंस में खेलना आसान नहीं है, जिन कंडीशंस में मैचेस हो रहे हैं उनको कंडीशन बहुत अच्छे से अवेयर है वेस्ट इंडीज वालों को। लेकिन अब तो पिचेस बड़ी मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू अमेरिका में जो मैचेस हुए 15, बेहतर तो लगे ना, क्योंकि वो मैच 100 रन के हो रहे थे, अब 150-180 रन के हो रहे, तो वो भी 200 रन बन चुके हैं। यही मैं बोला ना, तो बेहतर तो लग रही है ना, मगर आप ये देखें के मैच के अंदर जो अच्छा टोटल कर गया, तो थोड़ी सी बेहतर अच्छी फील्डिंग करनी है और थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग, ये नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। लेकिन बाउंड्री छोटी नहीं लग रही है आपको? नहीं, बाउंड्री पूरी है, एक साइड से छोटी बाउंड्री। देखें एक हाथ कोना तो 19-20 होता है, मगर एक कह लेंगे ना पूरे ग्राउंड को सामने तो बिल्कुल सही है, लेकिन 70 गज दोनों जगह होता है सामने, मिड विकेट एरिया, एक स्क्वायर लेग एरिया कोई भी ग्राउंड का हो जाता है कि जी आप 60-65 गज, वो भी नॉर्मल अगर ग्राउंड जाए किसी में तो 65 गज तो बाउंड्री वैसी होती है। तो इतने बड़े बड़े ग्राउंडों में फिर हवा का अमल दखल बड़ा होता है, कि हवा का जो होता है वो अगर चलती हो, जिस तरह के वेस्ट इंडीज के ग्राउंड है उनमें हवा बहुत ओपन भी है, ओपन भी है, और फिर सी एरिया सारा, ठीक है, तो वो बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल 2 मैचेस है, और वेस्ट इंडीज का मुकाबला है अमरीका से, और एक मैच में बांग्लादेश की टीम जो है वो भारत के मध्य मुकाबले होगी। अब देखते हैं कि वेस्ट इंडीज का और अमेरिका का जो मैच है वो कैसा होता है, क्योंकि फिर उसके बाद आखिरी मैच अमेरिका का जो है वो इंग्लैंड के साथ है, और इंग्लैंड के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। इस मैच के नेट रन रेट पर भी देखेंगे, और देखते हैं कि अमेरिका कितनी टफ टाइम देता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में खुर्रम मंजूर के साथ हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।